हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ख़ास चीज़ें, जैसे कि किसी भी फाइल को हमने ओपन किया। ये देखिए, जैसे इस फाइल को हमने ओपन किया है, यहाँ पे एक लेयर बनी हुई, इसको हाइड कर देते हैं। टूल का यूज कैसे होता है, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे आप जाइए, ये देखिए सर्कल बन गया है। यहाँ पे आप कॉपी कीजिए, देन आप पेस्ट कर दीजिए, और इस टूल के थ्रू इसको आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया। अब आपको सेम इस टूल का यूज करना है। यहाँ पे और भी टूल हैं, रेक्टेंगल टूल है इसी के अंदर। ये देखिए, ये आप इतना बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कीजिए। अभी ये वार्निंग क्यों दे रहा है कॉपी, ये इस वजह से दे रहा है कि आप सेम लेयर पे नहीं हैं। जैसे कि आप इस लेयर को हाइड कर देते हैं, इस लेयर पे आइए। अब ये देखिए, आप कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, देन पेस्ट कीजिए, ठीक है। ये देखिए, जब इसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं, सेम लेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इरेजर के थ्रू हल्का हल्का इसको कट कर दीजिए, जिससे कि ये मर्ज हो जाए। ये देखिए, ये अब इसको मूव टूल के थ्रू अब थोड़ा सा अप कर दीजिए। ये आपकी एक और लेयर बनी हुई है, ये वाली, इस पे आप कहीं पे भी जाके इसको कट कर सकते हैं, ये इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लेयर के का ध्यान रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस भी लेयर पे आपको काम करना है, सपोज कीजिए आपको इस लेयर पे काम करना है, या इस लेयर पे काम करना है, या इस लेयर पे काम करना है, या इन दोनों लेयर पे काम करें, तो उसी लेयर पे आपको काम करना के लिए उस लेयर को रखना पड़ेगा, और बाकी सबको हाइड रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आप यहाँ पे मूव करके थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपको इस इमेज इसको अप करना है, 100% इसकी ओपेसिटी कर दीजिए, ये देखिए। और ठीक, अब इसके पीछे जो बैक में जो इमेजेस हैं उनको उठा के कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा इसको मूव कर देना है। ये देखिए, ये आपकी इमेजेस आ गई, और इसको हल्का सा यहाँ से डाउन कर दीजिए। अब आपको क्या लग रहा है, ये आप डाउन अप कर रहे हैं, ये थोड़े से एजिस हैं, तो इसको इरेजर के थ्रू आप यहाँ पे जाइए और इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, 70s कर लीजिए, ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये देखिए, धीरे धीरे आप कट करते हुए इस ब्रश के थ्रू यहाँ पे आइए। ये देखिए, इसको अगर आप जूम करेंगे तो और भी शार्पनेस से कटेगा ये, ठीक है। और ये तो था टूल का यूज, ये लेसो टूल होता है। अब मैं आपको ये टूल्स का, ये एक लेसो टूल है जिससे आप फ्री हैंड कहीं पे भी जाके इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया, ये देखिए, फिर वही मार्क दिखा है, यहाँ पे जाइए, इसको कॉपी कीजिए, देन पेस्ट कर दीजिए। मूव टूल के थ्रू देखिए आप, एक लेयर और बन गया आपकी। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपको कुछ और नई टेक्निक बताऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।